बीजेपी के वरिष्ठ नेता हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार चौधरी रणजीत सिंह जी। जी धन्यवाद रणजीत जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया। कैसा, किस तरह से चल रहा है प्रचार आपका? कितना प्यार मिल रहा है जनता का? देखिए बड़ा अच्छा चल रहा है। हमारे अभी 9 सेगमेंट है जिनमें 6 में सभाएं भी होगी। माननीय मनोहर लाल जी भी सभा करके, मुख्यमंत्री जी राजेंद्र सिंह सैनी जी भी करके, और सब ऑफिस खुल गए, सब जगह इश्तहार पोस्टरबाजी, और आप समझो कि 1 करोड़ पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने कवर भी कर ली पिछले 10 दिन में। बहुत बढ़िया चल रहा है जी, लोगों में उत्साह बढ़ा है। ये हम सब नहीं करें तो भी मोदी साहब के लिए एक एक्सरसाइज पहले लोगों की बनी हुई है कि हम उन्हें वोट डालेंगे, उनके लिए लोगों में बड़ा उत्साह है। चौधरी रणजीत जी, लेकिन आपने अब सुन तो लिया होगा जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला को चुनाव के मैदान में उतार दिया गया है। एक तरफ नैना चौटाला, दूसरी तरफ सुनैना चौटाला, आपके परिवार की 2 महिलाएं, आपके भतीजों की बहू, वो चुनाव के मैदान में, किस तरह की टक्कर रहने वाली है? चुनौती बड़ी हो गई है क्या इस वक्त? देखिए हमारे अपने बच्चे हैं, आज भी वो मेरे अपने बच्चों की तरह है। कोई चुनाव लड़े, चौधरी देवीलाल का घर बहुत बड़ा डेमोक्रेट रहा है, और इसमें कोई भी चुनाव लड़े उससे कोई पारिवारिक रिश्तों में कोई खटास नहीं आता, ना रहेगा जी। अब बच्चे हैं, अपना लड़े चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। मुझे, मेरे बच्चे ही है, मैं उनसे कोई वोट कौन देगा नहीं देगा ये तो लोग देंगे। प्रजातंत्र की एक लाइन की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास होगा उसे प्रजातंत्र कहते हैं। रणजीत सिंह जी, लेकिन वोट तो मांगेंगे आप, तो जेजेपी के खिलाफ भी मांगेंगे, उनके प्रत्याशी के खिलाफ भी मांगेंगे, इनेलो के प्रत्याशी के खिलाफ भी मांगेंगे, तो कहीं आपको नहीं लगता कि असहज स्थिति हो जाएगी? नहीं, मैं अपनी लाइन बड़ी खींचूंगा, मैं किसी की लाइन, जब मेरी लाइन बड़ी होगी तो अपने आप दूसरी छोटी होते जाएंगे। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं क्या बच्चों के खिलाफ बोलूंगा? जो देवीलाल ने कहा था, मैं उस बात को बहुत मान के रखता हूँ कि कभी भी परिवार के लिए हमारे परिवार की पराकाष्ठा बहुत बड़ी है, मैं कभी उसके लिए कोई छोटी बात नहीं कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और